बासी चावल की तो बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, लेकिन आज सबसे अलग एकदम ही कम समय में कुकर में हम ये टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है। कम तेल में ये झटपट से तैयार होता है। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देर किए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक कटोरी हमारे पास बासी चावल है, आप चाहे तो ताजे चावल से बना सकते हैं। तो इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। एक कटोरी चावल है तो आधी कटोरी यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे, आधी कटोरी दही ऐड करेंगे, दही की जगह आप छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरी पानी का इस्तेमाल हम एक कटोरी करेंगे, अगर आप छाछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी आधी कटोरी लें। अब सारी चीज़ों को हमें इसमें ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पेस्ट, जैसे हम इडली का बैटर तैयार करते हैं उसी तरह का हमें ये बैटर चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये ग्राइंड हो गया है। तो अब हमें इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस कैसी है, तो ये बहुत ही पतला नहीं है, बहुत ही थिक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी है तो अच्छे से फूलेगी। उसके बाद देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, जैसा हमने रखा था उससे थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो यहाँ पर हम पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर चाहें थोड़ा पतला करना तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमक डालेंगे, नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम आधा निकाल लेंगे। ये क्यों निकाला मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी यहाँ पर हमने बैटर साइड में रख दिया है। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, बारीक कटी हुई प्याज, मिर्ची, बारीक कटी हुई टमाटर और बारीक कटा हुआ धनिया लेकर अच्छे से इसमें मिला दिया है। आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकती है, जैसे गाजर, मटर आदि, बीन्स, जो आपको खाना सब्जियों में पसंद है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम आधा पैकेट इनो डालेंगे। यहाँ पर एक कटोरी चावल था तो आधा चम्मच इनो ऐड करना है, जिससे कि हमारा नाश्ता सॉफ्ट मुलायम बनेगा। यहाँ पर हम उत्तप्पा नहीं बनाने वाले हैं। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने एक बर्तन इस तरह का डब्बा लिया हुआ है, आप चाहें तो केक कंटेनर में या थाली में या कटोरी या गिलास में बना सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से भर देंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे। यहाँ पर आप पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं। जो आधा बटर हमने बैटर साइड में रखा था उसमें भी हम इनो यहाँ पर ऐड करेंगे। गन्नू सब्जियाँ खाना कम पसंद करता है, तो मैं उसके लिए एकदम सादा सिंपल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर इनो को अच्छे से मिला देना है। नमक हमने पहले ही मिलाया। अब हमें इन दोनों डब्बों को कुकर में रखना है, पर उससे पहले हल्का सा टैप करेंगे, इसमें जो हवा हो वो निकल जाए, और थोड़ा सा सांभर मसाला यहाँ पर ऊपर से डाल देंगे, दिखने में अच्छा लगेगा। तो दोनों डब्बों के हमें ढक्कन लगा देने हैं। और उसके बाद मैंने पहले ही यहाँ पर कुकर में एक गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रखा था, उसे डाल देंगे। यहाँ पर दोनों डब्बों को हम एडजस्ट करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर बंद नहीं होगा ढक्कन, तो इसे 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे अच्छे से, जिससे कि हमारा जो बैटर है अच्छे से पक जाए। अगर इस तरीके से बना रहे हैं, नहीं तो 10 मिनट में आपका ये धीमी आंच पर अच्छे से कुकर में पक जाएगा। तो ये पक गया है, हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये
जो हमने बनाया था पक चुका है। यहाँ पर ये ढोकला नहीं है ना ही इडली है। अब चटपटी सी एक चटनी बनाएंगे। यहाँ थोड़े ताजे नारियल, दो लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पर भुना हुआ चने की दाल लिया हुआ है, दो तीन लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी धनिया हरी ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को में ऐसे ही पहले ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। इससे अच्छे से ये तैयार हो जाएगी चटनी। अरे स्वाद अनुसार नमक डालना तो भूलिएगा नहीं। तो ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चाहें तो कड़ी पत्ता, राई और जीरे से तड़का लगा सकते हैं। आज मैं सिंपल ही रखूँगी। तो इसे हम जो हमने तैयार किया नाश्ता उसे साइड से इस तरह से चाकू से कट लगा देंगे और ये देखिए कितना प्यारा कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। कम तेल का ये नाश्ता तैयार है। तो ये देख रहे होंगे कितना जालीदार है, एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट। तो इसे मैं तीन भाग में कट करूँगी और आगे आपको बताऊँगी कि ये इसके साथ हम आगे क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है और दूसरा भी देखिए तो हल्का सा टैप करने पर ये आसानी से निकल जाएगा। आप इसे चाहें तो ऐसे ही कट लगा कर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कट लगाए, चार भाग में बांटा और फिर इसे रख दिया। यहाँ पर तावे पर हम एक चम्मच तेल डालेंगे, यहाँ आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और चाहे तो कड़ी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर जो हमने पीसेस में कट किए हुए हैं स्लाइस को इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से हल्का सा ये सेलो फ्राई हो जाएगा या तावे पर आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, मुझे बार बार सेलो फ्राई ही याद आ रहा है। तो इस तरीके से पलट देंगे और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और दिखने में भी अच्छा लगता है और ये हेल्दी हमारा नाश्ते का ऑप्शन है। तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना तो भूल गई, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। अब इस नाश्ते को हम निकाल लेंगे। फिर जो हमने गन्नू के लिए नाश्ता तैयार किया था तो हल्का सा उसे भी हम तावे पर इस तरीके से लगा देंगे और थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा, टेस्टी लगता है। तो बाकी जो बैटर बचा हुआ है उसे हम यहाँ पर उत्तपे की तरह सेक लेंगे। ये आसानी से सिका जाता है पर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम अलग तरीके का नाश्ता बनता है। तो आपको कौन सा तरीका ये तीनों में से पसंद आया प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अब उलट पलट कर हम इसे सेक लेंगे। तो ये लीजिए हमारा तीनों तरीके का ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे आप छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक को देंगे, कम तेल में हेल्दी नाश्ता तैयार हुआ है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में।